ये अपना 160 वाट के दोनों में रहने वाली है, हाई और लो भी दिखाते हैं, तो ये अपना कुछ तरीके से प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। ये बटन प्रेस करते के साथ ही मिरर फोल्ड, और अगेन बटन प्रेस करेंगे मिरर अपना जो है अनफोल्ड हो जाता है। 11,000 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है वो अपना ये रहने वाला है। महिंद्रा जेन्युइन रूफ रेल जो ड्रिलिंग वाली है, बट इसकी जो फिनिशिंग आप ओईएम टाइप की देख रहे हो ना, हाँ ये आपको ओईएम टाइप को फिनिशिंग नहीं मिलेगा। इंटीरियर में अपना सारा ये आइस ग्रे है, हाँ जी, और ये अपना पियानो है। सबसे पहले अपना ये डुअल टोन में परफेक्ट और बर्फी डिजाइन का सीट कवर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप सीट कवर की फिट फिनिश किस तरीके की है वो चेक कर सकते हो। ये डुअल टोन स्टीयरिंग कवर है और एयर बंडल जो बोलते हो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे एमआईडी के अंदर ये अपने चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, जिसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। अब अपने ये सनग्लास होल्डर है ओईएम सिस्टम, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाने वाला है। बहुत अच्छा काम था भैया का, मुझे बहुत शुरू से पता था, जब से मैंने गाड़ी बुक करी थी मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैंने करोल बाग ही जाना भैया के पास। तो काफ़ी अच्छा सा मुझे मतलब काम मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत अच्छा फिनिश वगैरह सारी चीज़ों की, बहुत अच्छा मतलब काम किया है गाड़ी का। अब जब रॉ देखा था और अब देख रहा हूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क दिख रहा है उसमें। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार जोन एक्सेसरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। सबसे पहले मिलते हैं लाल भाई से। लाल भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया जी। तो शाम का टाइम में कितनी गाड़ी होंगी आज? आज है तकरीबन 5 गाड़ी है, एक Z6 है, बाकी सारे Z2 है। तो अभी जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक गाड़ी अपनी व्हाइट कलर की यहाँ पे खड़ी है, दो गाड़ियाँ अपनी एक यहाँ पे एक से पीछे जो है वो रहने वाली है, और एक Z2 पार्किंग में भी है व्हाइट कलर की। ठीक है जी। तो ये गाड़ी की अगर हम बात करें कौन सा वेरिएंट है और कहाँ से गाड़ी आई है? ये अपने Z2 है, अपने दिल्ली से ही गाड़ी है ये। तो क्या कुछ काम हो रहा है अपना इसमें? अपना पूरा इंटीरियर है ना कुछ अलग ही, जो हम आइस ग्रे कर रहे थे ना आज उनको भी दिखाया था, इनको भी पसंद आया था आइस ग्रे, आज हम आइस ग्रे का इंटीरियर दोबारा तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सामने से अगर हम बात करें, कुछ काम गाड़ी के अंदर कंप्लीट है और कुछ काम जो है अभी होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे अपनी ग्रिल के ऊपर काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और जेन्युइन वाला जो अपना क्रोम इंसर्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी जो रिप्लेस है वो नीचे रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये कंप्लीट चेंज हो गया है। कंप्लीट चेंज हो गया, बट अपना ये महिंद्रा जेन्युइन जो अपना बेस टू टॉप वालों को 7,000 रुपए का रहने वाला है, हाँ जी, अपने लग चुका है विद वायरिंग विद कपलर, प्रॉपर फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल कपलर हो चुका है। ठीक है। इसमें अपना कस्टमर मतलब भैया का मन नहीं था जो भी बोलो, तो 160 वॉट एलईडी हमने दोनों में इंस्टॉल कर दिया हुआ है। ठीक है जी। बाकी वारंटी वगैरह की बात या प्राइसिंग वगैरह की बात वीडियो के लास्ट में हम लोग कर लेंगे। साइड में अपने ये ऑटो फोल्ड लगा दिया हुआ है, विद प्राइस है 11,000 रुपए। ठीक है जी। ऑल ओवर कंप्लीट रिले के साथ। एलॉय वगैरह में कोई चेंज है? एलॉय इनका अभी भैया का मन था, बट भैया ने बोला कि भैया हमारे बजट में नहीं है, व्हील कवर लगाने वाले, व्हील कवर इसमें लगाने वाले। ठीक है जी। वो भी महिंद्रा जेन्युइन वाला, सिल्वर वाला, महिंद्रा जेन्युइन। ठीक है। इसमें आपको बाहर से बात करें तो अपना ये आस्था मार्केट है जो गैल्यू कंपनी के रहने वाला है, डोर वाइजर लगा चुके हैं, बट इसमें आपको एक चीज अलग मिलेगा जिसमें लोअर गार्निश नहीं लगाना। तो कोई खास रीजन मतलब थीम मेंटेन करनी है अपनी? इन्होंने इनका थीम था जो हमको सारा पियानो ब्लैक में या मैट ब्लैक, कुछ मैट में कुछ पियानो में रखना है, अपना लोअर गार्निश रखने वाला, और हैंडल अपना जो बॉडी कलर में रहने वाला है। ठीक है। तो अभी इसको व्हाइट किया जाएगा? व्हाइट किया जाएगा। अपना ये महिंद्रा जेन्युइन फुटरेस ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इंस्टॉल्ड हो चुका है, और प्रॉपर ये फुल ब्लैक में जो है वो रहने वाला है। अपना ये रूफ रेल जो ड्रिलिंग वाली है इसका भी इंस्टॉलेशन बाकी है, इंस्टॉलेशन अभी होने वाला है। तो ये कैसी आफ्टर मार्केट होती है? जेन्युइन नहीं, महिंद्रा जेन्युइन, जो भी पार्ट होगा महिंद्रा जेन्युइन ही होगा, आफ्टर मार्केट हम बहुत कम लगाते हैं। यहाँ पे पैकिंग वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर जो है जेन्युइन रहने वाली है अपनी ये। ठीक है। बैक प्रोफाइल से बात करें तो बैक में हमारा अपना ये रियर का क्रोम भी इसमें नहीं लगना है, ये ब्लैक रहेगा, ये ब्लैक ही रहेगा, इसमें हमने इसमें रिफ्लेक्टर ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है जी। इसमें 4-5 मोड है जो अपना रहने वाला है, तो ये आफ्टर मार्केट जो है वो आता है आफ्टर मार्केट। इसमें वाइपर पहले डमी भी था, अब इनका मन हो गया जो अब डमी भी इसमें वाइपर नहीं रहने वाला है। ठीक है। तो वाइपर कैंसिल है? हाँ कैंसिल है। मेन जो इसका थीम है ना अंदर का यूनिक है, जिसमें ओजम सिस्टम, स्टेयरिंग माउंट प्लस अपना फ्रंट और रियर DVR। ठीक है। तो अंदर से ही आप लोगों को चल के दिखाते हैं क्या कुछ रहने वाला है। इसमें जो आपका ये OEM सिस्टम है जो अपना Z2 वेरिएंट है, इसमें OEM सिस्टम प्लस इसके साथ 360 का भी अपना किसी कस्टमर का लगाना है तो वो भी लग जाएगा, बट भैया का जो डिमांड है फ्रंट एंड रियर कैमरे का, तो फ्रंट कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और रियर कैमरे की जो प्लेसमेंट नंबर प्लेट के ठीक ऊपर आपको मिल जाने वाली है। तो ये रूफ यहाँ से क्यों खुली हुई है? रूफ खुली है एक तो प्लस अभी रूफ रेल लगना है, और इसमें OEM महिंद्रा जेन्युइन सनग्लास होल्डर भी अभी इंस्टॉल करने वाले हैं, इंस्टॉल होने वाले। ठीक है जी। बाकी आप यहाँ पे देखोगे कुछ चेंजेस भी हो चुके हैं, ये पूरा पोर्शन जो है वो कॉफी कलर के अंदर आता है, इसको यहाँ पे चेंज करके इसके ऊपर जो है वो रैपिंग का काम कर दिया गया है, डैशबोर्ड के ऊपर कंप्लीट है, सॉफ्ट टच बोलते हैं इस तरह की का था, इसके ऊपर ये कलर जो है वो चढ़ चुका है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो है सेम अपना वर्क रहने वाला है, और MID कंट्रोल जो है जेन्युइन वाले वो भी इंस्टॉल यहाँ पे हो चुके हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में।
प्लस अपना और की बात करें तो अपने ये डबल ईयर डैम्पिंग जो है इसमें किया हुआ है, बाकी अभी इसका जितना भी थीम है ना सारा पियानो है। ठीक है जी। और डोर का भी कलर जो आइस ग्रे वो रहने वाला है, तो अभी इसका टाइम अभी लगने वाला है। तो यहाँ पे बाकी आप देखोगे फ्लोर के ऊपर जो है वो अपनी सीट कवर वगैरह काम जो है वो चल रहा है, एंड अपनी चेकमेट वाली जो फ्लोरिंग है वो इसके फ्लोर के ऊपर यहाँ पर रहने वाली है। तो ये सबसे फ्लोरिंग की हम गारंटी भी देते हैं, 2 साल में कहीं सिलाई खुल जाए, पपड़ी है जो कुछ भी है हम उसको चेंज करके देंगे 2 साल की, 2 साल की आपको मिल जाती है। बाकी ये वगैरह पेंट वगैरह काम कुछ भी है ये सारा अभी जो अपना है सारा पियानो में रहने वाला है। तो मतलब कंप्लीट पेंट वर्क जो है वो भी इस वाली कार में रहेगा। यहाँ पे आप चेक करोगे इसका पैनल जो है वो खुला हुआ है, इधर अपने एसी वेंट्स के सारे पार्ट जो है वो खुले हुए हैं, मतलब सब कुछ डीप पेंट जो है वो सारा डीप पेंट होने वाला है। ठीक है जी। बाकी डैम्पिंग जो है वो कितने सीट रहने वाली इस वाली कार में? इसमें 10 सीट की है, 10 सीट जो कम्प्लीट इंस्टॉल डोर में अपना 10 सीट लग जाता है तरीके से लगाए तो 10 सीट अपना लग जाता है। अभी इसमें अपना ए अभी नॉर्मल जो कंपनी से लग के आता है ये बेस मॉडल है, ठीक है, इसमें अभी ए पिलर भी लगाने वाले हैं। तो अपने जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, वो भी जेन्युइन जो है वो रहने वाले हैं। तो अभी गाड़ी का काम जो है वो अपना ऑन पैकिंग हो जाता है, फिर आप लोगों को चेक करवाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी स्कॉर्पियो एन का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको डिटेल में बताते हैं क्या कुछ एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। तो लाल भाई क्या कुछ लगाया इस वाली कार के अंदर आपने? हम फ्रंट से बात करें तो इसमें फ्रंट रियर स्किट मतलब इनका मतलब मन नहीं था इनका या जो भी बोलो इसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है वो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अपना ये फॉग लाइट है, ये अपना हेडलाइट है 160 वॉट का LED, ठीक है, और ये अपना 7 पीस क्रोम है, बट इनका पियानो का मन नहीं था जो भी है बट इन्होंने नहीं करवाया। मतलब कि अपर जो पोर्शन है उसके ऊपर आपको क्रोम इंसर्ट जो है देखने को मिल जाएंगे जो कि महिंद्रा जेन्युइन रहते हैं। जो ग्रिल वाला पार्ट है पीछे वाला इसको पियानो ब्लैक नहीं किया गया जो कि मैट ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है। अपनी कस्टमर के पास ऑप्शन है, उनको पियानो चाहिए कुछ भी चाहिए पियानो उनका मिल जाएगा, ठीक है, हमारे पास स्टॉक में तैयार। तो सामने से 3 एक्सेसरी जो है वो लगाई गई है, पहला अपना फॉग लाइट, दूसरा अपना हेडलाइट में LED, कितने वॉट रहने वाली है ये? ये अपना 160 वॉट के दोनों में रहने वाली है, प्लस ये अपना पार्किंग बल्ब। ठीक है, सामने रिस्पांस की अगर हम बात करें तो रिस्पांस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक बार आपको हाई और लो भी दिखाते हैं तो ये अपना कुछ तरीके से प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि एक अच्छा रिस्पांस जो है वो रहने वाला है। उसकी वारंटी वगैरह 2 साल, 2 साल की ऑन कंट्रोल 2 साल है, प्लस एक आध महीने भी कस्टमर को आने जाने में प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ भी हो तो हम उनका एक आध महीने की सुनवाई करते हैं, 2 साल प्लस कुछ भी हो जाए तो हम चेंज करके देंगे। ठीक है, तो सामने से ये सब अपडेट जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा ये अपना OEM स्विच है, मार्केट में आपको सस्ता फॉलम देखने को मिल जाएगा बट OEM स्विच ऑन करके नहीं देगा, ये देखो। तो अंदर की तरफ आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट कंपनी से आता है, ये तो अपना हेडलाइट वाला स्विचेस हो गए, ये अपने फॉग लाइट वाला स्विच है, ये अपना ऑफ हो जाएगा हेडलाइट फॉग लाइट और ये अपना यहीं से ऑन हो जाएगी, ये आप चेक कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहो तो हेडलाइट ऑफ में भी अपनी जो है फॉग लाइट ऑन कर सकते हो। ये फीचर आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन स्विच के साथ जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और इसीलिए जो है ये अपने 7,000 रुपीज में रहने वाली है, बेस टू टॉप वालों के लिए 7,000 में, वो भी ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन। ठीक है जी। साइड से बात करें तो अपना ये बम्पर कॉर्नर सेफ्टी पर्पज के लिए जो साइड मोड़ते हैं तो अपना बम्पर पे स्क्रैच वगैरह सेफ्टी पर्पज के लिए बम्पर कॉर्नर रहने वाला है। साइड से बात करें तो अपना ये महिंद्रा जेन्युइन फुटरेस रहने वाला है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, फुल ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अपना ये हैंडल, ठीक है, बॉडी टाइम में आप लोगों को दिखाया था उस टाइम पर ये ब्लैक था और इस वक्त जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ये वाइट जो है अपना हो चुका है। साइड से बात करें तो अपना ये ऑटो फोल्ड जो बेस टू टॉप वालों के लिए 11,000 रुपये का, बाकी काउंट पे आने के बाद 2-4-5 सौ रुपये कम भी हो सकता है, बस ये नहीं जो 11,000 है 11,500 है तो उतना ही लगा, रिकार्ड जो है वो रिकार्ड बिल्कुल हो गया जाएगा। तो इसको एक बार ऑपरेट करके दिखाइए कैसे कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक करिए बटन प्रेस करते के साथ ही मिरर फोल्ड और अगेन बटन प्रेस करेंगे मिरर अपना जो है अनफोल्ड हो जाता है और अंदर की तरफ आपको स्विच जो है वो भी दिखाया था, ये भी अपना महिंद्रा जेन्युइन स्विच जो है वो रहने वाला है अपना। ठीक है जी। तो ये हो गई अपनी मिरर की बात और 11,000 रुपीज़ की कॉस्टिंग में जो है वो अपना ये रहने वाला है। अगर आपके पास ऑप्शन में ये भी है, अगर आप चाहो तो इसको वाइट भी करा सकते हो, बाय डिफॉल्ट ही ब्लैक कलर का ही आता है, वाइट कंपनी से ब्लैक कलर का आता है। किसी भी कस्टमर को गाड़ी का जो भी कलर हो उनका कवर चार्ज जो भी है वो अलग से एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इनको ब्लैक चाहिए था तो ब्लैक ही छोड़ दिया गया है। अपना ये महिंद्रा जेन्युइन रूफ रेल जो ड्रिलिंग वाली है। ठीक है जी। तो ये अपने यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रॉपर इंस्टॉल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनका ये अपना आफ्टर मार्केट जेन्युइन डोर वाइजर जो टॉप मॉडल में कंपनी शोरूम में भी लगाते हैं, आफ्टर मार्केट भी लगाते हैं, गैलियो कंपनी का जो रेड बैजिंग के साथ आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। 4 पीसेज में आता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो साइड से जो है यही सब काम जो है वो रहने वाला है। एक चीज़ और है अपने व्हील कवर जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आपने एलोए लगवाने हैं तो एलोए जो है वो भी आप लगवा सकते हो जैसे इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है, और अगर आपको व्हील कवर चाहिए तो आप व्हील कवर भी लगवा सकते हैं, व्हील कवर भी मिल जाएगा। तो ये भी अपना महिंद्रा जेन्युइन व्हील कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड किया हुआ है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गई साइड की बात, रियर का जो बम्पर कॉर्नर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं रियर पार्ट की और आपको बताते हैं रियर में क्या कुछ रहने वाला है। रियर पार्ट में ज्यादा इसमें आप कुछ भी नहीं है, खाली कस्टमर का डिमांड था एक रिफ्लेक्टर चेंज कर दो, ये भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। तो रिफ्लेक्टर जो है इसमें भी आपको मोड्स मिल जाते हैं, बेसिकली मैट्रिक्स में रहता है ये। इस वक्त अपना पार्किंग मोड पे है, इसमें आपको इंडिकेटर, ब्रेक और अपने जो है रिवर्स मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये इसका इंडिकेटर मोड जो है वो रहने वाला है वाइट लाइट के अंदर, यानी कि अपना जो है वो रिवर्स मोड रहेगा, और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कुछ तरीके से ब्लिंक करने वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर प्लेट के ठीक ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो अपना कैमरा जो है वो प्लेस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट बैक कैमरा जो है वो इस वाली कार में इंस्टॉल्ड रहने वाला है। फ्रंट बैक अपना ये DVR है, मतलब रिकॉर्डिंग भी करेगा। ठीक है जी, ये अपना महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर, ये अपना व्हाइट कलर के साथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एच टू एच फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आप इसकी जो फिटिंग है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मार्केट में आपको कॉपी भी मिल जाएगा, बट इसकी जो फिनिशिंग आप OEM टाइप की देख रहे हो ना, हाँ ये आपको OEM टाइप को फिनिशिंग नहीं मिलेगा। तो मार्केट में आपको 2500-3000-4000 का लोग सस्ता करके लगा देगा, बट वो लोकल लगाएगा। ये अपना महिंद्रा जेन्युइन है, इस पे पीछे महिंद्रा जेन्युइन लिखा भी आता है। ठीक है जी, तो ये अपना रहने वाला है बॉडी कलर के साथ, प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं। और गाड़ी को टॉप वेरिएंट जो है वो बना दिया गया है, तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे जो भी कस्टमर बेस्ट टू टॉप कराते हैं, 4Xplor और एट्रोनिक्स है, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मिल जाएगा। ये सिर्फ बेस्ट टू टॉप वालों के लिए है, जो कि हम लोग आपको 50-60 हज़ार वाली भी कराते हैं तो उनको भी हम देंगे, उनको भी खुश करके भेजेंगे। अब आते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीजें जो है वो अपना रहने वाली है। तो इंटीरियर से क्या कुछ रहेगा, इंटीरियर में अपना सारा ये आइस ग्रे है, हाँ जी, और ये अपना पियानो है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डबल टोन का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक और अपना जो है आइस ग्रे, और अपने टचअप जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर हैंडल को जो है वो पियानो ब्लैक किया गया है, और इसकी कटोरी के ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। ये जो अपना इनर हैंडल है, ग्रैब हैंडल जो आता है, वो भी आप यहाँ पे चेक करोगे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है कंप्लीट। आप चाहो तो सिल्वर भी लगा सकते हो, बट आइस ग्रे के साथ पियानो ब्लैक ज़्यादा अच्छा सूट करता है। जितना भी वीडियो है ना, आइस ग्रे के साथ ये पियानो ही अच्छा लगता है, बट कस्टमर का सिल्वर की डिमांड हो तो सिल्वर भी अपने पास मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे चेक करोगे तो अपना जो है पियानो ब्लैक आपको जो पावर विंडो स्विच प्लेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पीस है ये वाला कंप्लीट, इसके ऊपर कोई रैपिंग नहीं करी गई, ये अपना पेंट वाला वर्क जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। और यहाँ पे आपको जो सॉफ्ट टच है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आपको एक कंफर्ट जो है वो इसके साथ मिल जाएगा। और डोर के ऊपर काफ़ी चीज़ें लग गई हैं अपनी। इस चीज़ में मैं आपको क्लियर बोलना चाहता हूँ, जो इस कम तक कोई बंदा कहता भैया आपका पेंट का कॉस्टली रेट क्यों है, तो क्वालिटी है। जैसे एक रबर पेंट बोलते हैं, एक नॉर्मल पेंट बोलते हैं और एक डिप पेंट बोलते हैं, तो ये डिप वाला पेंट है, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का पेंट है रहने वाला है। ठीक है, आपको बाजार में अदरवाइज सस्ता भी मिल जाएगा, बट हमारे पास वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्वालिटी देखना या रेट देखना है। ठीक है जी, तो अपनी क्वालिटी मेंटेन्ड है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसके अलावा डैम्पिंग जो है वो भी करी गई थी, जो कि आपको डे टाइम में हम लोग दिखा चुके हैं। डे टाइम में डबल ईयर डैम्पिंग है और पूरी साउंड प्रूफ के लिए। इसके साथ साथ अपना ये ट्विटर प्लस ट्विटर कवर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को प्रॉपर मिल जाएगा। ट्विटर सैश जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। अंदर की तरफ हम मूव करते हैं और आपको अंदर से बताते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है कार के इंटीरियर की और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से जो है वो क्या कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करी गई। तो लाल भाई, सबसे पहले क्या दिखा रहे हो आप? सबसे पहले अपना ये डुअल टोन में परफेक्टेड और बर्फी डिजाइन का सीट कवर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप सीट कवर की फिट फिनिश किस तरीके की है वो चेक कर सकते हो। और इसके ऊपर अपहोल्स्ट्री जो है, पिनी जो है दोबारा लगा दी गई है, ताकि थोड़ा सा कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी गंदा वंदा होना, तो उससे थोड़ा प्रोडक्शन रहेगी अपनी, तो उसको दोबारा से उनकी जो रिक्वायरमेंट हिसाब से लगा दिया गया है। को ड्राइवर सीट के ऊपर भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अपना ऑफ वाइट विद परफोरेशन फिनिश के साथ जो है वो आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपके पास कई सारे पैटर्न हैं, अगर आप चाहो तो फुल बर्फी भी करवा सकते हो, या अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। किसी कैसा भी डिमांड हो, कैसा हो, हम पूरा करके भेजेंगे, खाली नहीं भेजेंगे। ठीक है जी, और इसी के साथ सॉफ्ट टच का जो काम है वो भी आपको देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है इसको मैच कर दिया गया है। बाकी क्या रहेगा अपना? बाकी अपना ये डुअल टोन स्टीयरिंग कवर है और अपना ये ग्रैब हैंडल जो बोलते हो, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पार्ट जो है वो जेन्युइन रहने वाला है अपना महिंद्रा का, दोनों ही साइडों में मिलेगा, ये अपना ड्राइवर साइड में भी और अपना को ड्राइवर साइड में भी। स्टीयरिंग व्हील पे हम लोग वापस आते हैं, तो मून डिजाइन के साथ जो अपना स्टीयरिंग रैप है वो किया जा चुका है, वो आप चेक कर सकते हो। और MID कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। इस तरफ आपको MID कंट्रोल्स मिल जाएंगे और इस तरफ आपको ओडिन कॉलिंग कंट्रोल, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, प्रॉपर वर्किंग रहेगा। मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं। तो यहां पे आप चेक करोगे MID के अंदर, ये अपने चेंजेस जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे, जिसको मैं यहां से कंट्रोल कर रहा हूं। ये भी जेन्युइन रहेंगे अपने? ये सारा पार्ट, जो भी जितना भी पार्ट है, सारा महिंद्रा जेन्युइन है। ठीक है जी, इसके अलावा क्या रहने वाला है? इसके अलावा अपने ये सनग्लास होल्डर है, ये भी अपना जेन्युइन है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, जिसमें आपको ये सनरूफ का बटन मिल जाएगा। ठीक है, ये चश्मा रखने का होल्डर मिल जाएगा आपको, और इसमें ये अपना लाइट आता है, इसमें सब कुछ इंस्टॉल आता है महिंद्रा जेन्युइन, इसमें अलग से कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है जी,
तो ये हो गई अपनी कंप्लीट। इसका सेटअप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बाकी आपको दिखाते हैं कुछ पियानो ब्लैक वगैरह के काम जो है वो किए गए हैं, और यहाँ पे आप चेक करोगे डे टाइम में निकला हुआ था पीस, इस टाइम भी पियानो ब्लैक कंप्लीट हो चुका है। ये पीस भी निकला हुआ था, ये भी पियानो ब्लैक हो चुका है। ये पीस भी अपना जो है उस टाइम पे नहीं था, ये पीस भी अपना कंप्लीट जो है पियानो ब्लैक यहाँ पर हो चुका है। बाकी कुछ रहने वाला अपना लाल भाई, ये अपना ओजम सिस्टम ये लो, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाने वाला है। और ये OEM सिस्टम इन द सेंस यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं, जिस तरीके से बाय डिफॉल्ट आपको अपर मॉडल Z8 वगैरह में कंपनी ऑफर करती है, यहीं से जो है वो आप सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आपको बटन भी मिल जाएगा, टच का रिस्पॉन्स आप चेक कर सकते हो। लाइक अगर आपने बैक लेना है तो आप यहीं से जो है इसको बैक ले सकते हैं। म्यूजिक को आपने एक्सेस करना है तो यहाँ से आप म्यूजिक में जा सकते हैं। होम में आना है वापस होम में आ सकते हैं। बाकी आप देखोगे वॉल्यूम वगैरह के जो ऑप्शंस हैं वो आपको सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, ट्यूनिंग वगैरह के भी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। क्या स्पेसिफिकेशन आती है इस स्टीरियो की? ये 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी है, एप्पल कारप्ले, ऑटो एंड्रॉइड, DSP सब कुछ है इसमें आपको। ठीक है जी। और इसमें अपना जो है फ्रंट बैक कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है। एक बार उसका रिस्पॉन्स जो है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे दोनों कैमराज जो है वो मर्ज होकर के इस टाइम पे आ चुके हैं। ये अपना फ्रंट कैमरा का रिस्पॉन्स जो है वो रहने वाला है, डबल टैप करके आप इसको चेक कर सकते हो। फुल विजन के अंदर डबल टैप करेंगे और रियर वाले पे यहाँ पे आप जो है रियर का व्यू चेकआउट कर सकते हो, किस तरीके का जो है वो अपना रहने वाला है। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, रिकॉर्डिंग भी जो है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, किसी कस्टमर को रिकॉर्डिंग करना है तो अपना ये रिकॉर्डिंग भी इसमें आता है। ठीक है जी। तो और कंप्लीट आप ये देखोगे कंसोल आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाएगा। ये वाला पीस तो खैर बाय डिफॉल्ट इसमें अपना स्टीरियो के साथ ही आता है, और इसी कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए ये वाला जो पीस है इसके ऊपर भी अपना कंप्लीट पियानो ब्लैक जो है वो किया जा चुका है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और मोस्टली वीडियोज़ के अंदर आपने जो है वो चेक किया होगा, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से कर चुके हैं। बट इसकी जो कॉस्टली है थोड़ी सी महंगा आता है, बट क्वालिटी की कॉस्टली है। कहीं से कोई बता कर लहर या कुछ भी परफेक्ट डॉटेड बोरे बोलते हैं, कहीं आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ये तो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ जो है वो अपना यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉफ्ट टच वगैरह का काम जो है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से आप यहाँ पे चेक करोगे कंप्लीट डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे वर्क देखने को मिल जाएगा। ये एक पीस बड़ा वाला जो है वो अपना आता है, इसके अलावा एक छोटा पीस जो है वो आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा ड्राइवर साइड में। इसके अलावा 2 पीसेज यहाँ पर भी, एक छोटा वाला पीस यहाँ पर आपको मिल जाएगा और बड़ा वाला पीस जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है इंटीरियर वर्क के अंदर आपको मिल जाता है। ये 9 पीस का सेट होता है पूरा ऑल ओवर, सॉफ्ट टच के साथ इंक्लूड आ जाता है ये। ठीक है जी। तो ये सब काम रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम नजर डालें फ्लोर के ऊपर तो यहाँ पे अपनी चेक मैट वाली जो फ्लोरिंग है वो करी गई है, जो कि अपनी रहने वाली है विद वारंटी। चेक मैट की प्रॉपर बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखो इसके अंदर और भी आपको फ्लोरिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक अगर आप चाहो सिलाई वाई लगवा सकते हो, अगर आप चाहो तो डाई वाई लगवा सकते हो, बट ये जो है क्रोकोडाइल वाली है, जो कि आपको प्रीमियम फ्लोरिंग मिलती है। इसकी फिनिशिंग फिटनेस इसलिए आता है, तो हम भी कस्टमर को बोलते भैया जब इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसमें सोचिए अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के फ्लोरिंग लगाओ, तो भैया बोलते चलो आप जो आपको पसंद आ रहा वो डालो। तो हम तो अपनी तरफ से कस्टमर को बोलते भैया अच्छी क्वालिटी का अच्छे लगाओ तो हम ये डाल दें। बाकी आप चाहो तो लोअर वाली भी लगवा सकते हो। बेसिक भी है 2500, 3000, 3500 सारे रेंज के फ्लोरिंग है अपने पास, मिल जाएगी। तो ये सब काम जो है वो रहने वाला है, ये सारे काम इस गाड़ी में रहने वाले। दोस्तों लाल भाई ने कार की सभी चीज हमें दिखा दिया, मिलते हैं कार के ओनर से, और जैसे जानते हैं सर का कैसा कुछ फीडबैक आने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम जगप्रीत सिंह है और मैं जनकपुरी रहता हूँ। दिल्ली से ही है? हाँ जी दिल्ली से ही है। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं आपकी वीडियोस ही काफ़ी टाइम से मतलब देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था आपको, चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ था। तो मैंने बहुत स्कॉर्पियो एंस देखी जो यहाँ पर कार जोन पे मतलब मॉडिफाई हुई हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा काम था भैया का, मुझे बहुत शुरू से पता था, जब से मैंने गाड़ी बुक करी थी मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैंने करोल बाग ही जाना भैया के पास। तो काफ़ी अच्छा सा मुझे मतलब काम मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत अच्छा फिनिश वगैरह सारी चीज़ों की, बहुत अच्छा मतलब काम किया ओवरऑल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा जो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी, एक होता है ना आप माइंडसेट की ये सारी चीज़ें आपको लगवानी है गाड़ी के अंदर, तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल टॉप क्लास, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, बट गाड़ी का अब जब रॉ देखा था और अब देख रहा हूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क दिख रहा है उस चीज़ में। तो अगर सिंपली से मैं ये पूछूं आपसे कि जो सुबह गाड़ी आप लेकर के यहाँ पे आए थे, हाँ जी, इस टाइम पे जब आप गाड़ी देख रहे हो जो ले जा रहे हो गाड़ी, ये दोनों में क्या मेरे घर वाले शॉक हो जाएंगे देखकर, वो डेफिनेटली कहेंगे बहुत अच्छा काम करवाया है। मतलब देखो एक तो वाइट कलर वैसी गाड़ी का काफी रोबस्ट फील देता है, प्लस जो इंटीरियर में काम करवाया है ना उसने और गाड़ी को एनहांस कर दिया है, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है काफी अच्छा निकल करके आ रहा। मुझे भैया ने सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाओ जो हमने आइस ग्रे कलर यूज किया गाड़ी के अंदर, तो उसकी वजह से गाड़ी का एक बहुत ही मतलब
मतलब महिंद्रा ने भी शायद ऐसा लुक नहीं देखा जो मुझे पर्सनली देखा है मैंने यहाँ पे। तो अब ये बताइए सर, अगर आपको स्टाफ बिहेवियर के बारे में पूछूं, जो भी लेबर यहाँ पे काम करती है या फिर जो लोग डील करते हैं, तो उनकी बिहेवियर वगैरह कैसा लगता बहुत है? अच्छा था बिहेवियर, सबने बहुत हेल्प किया। जब भी हमने बोला कि आपने काम करवाना है तो इंस्टेंटली सबने रिस्पॉन्ड किया है। और लाल भैया, रोहित भैया, सबका नेचर बहुत अच्छा है बात करने में, पब्लिक डीलिंग में। इवन अगर आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी सर्विस करवाने के बाद भी आते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपसे बात बात करते हैं, सब चीज़ें करेंगे। अच्छा, जैसे हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करी तो कई सारी स्कॉर्पियो एन थी, तो हाँ सबको तो मैं काउंट नहीं कर पाया, तो आपके हिसाब से मतलब जस्ट एक वो पूछ लो, कितनी स्कॉर्पियो एन आज रही है? तकरीबन 4 से 5 तो मैंने देखी थी जो मैं काउंट कर रहा था। तो सबका काम इवनली भैया करवा रहे थे, तो बहुत अच्छा मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है, अगर आपको सारे काम को रेट करना हो, 10 में से नंबर देने हो, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 10 ही दूंगा, क्योंकि मैं शुरू से, जैसे मैंने वो बताया कि मैंने भैया की मुझे क्वालिटी वैसी दिख गई थी वीडियोज में देख देख कर कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड स्पेशल थैंक यू आपको भी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपकी वीडियोज मैंने काफी टाइम से फॉलो करी एंड उसी की वजह से मतलब आज मेरी गाड़ी इतनी अच्छी बनी है, डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, थैंक यू सो मच। और आप यहाँ तक वीडियो देख करके आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।